हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनी व्लॉग 12 यूट्यूब चैनल पर। तुम्हारे भाई ने एक और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जा रहा हूँ मैं, दुगड्डा जाऊंगा या कोड़दार जाऊंगा, लेकिन आज का व्लॉग मेरा ट्रेवल्स व्लॉग होने वाला है और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो सुबह के बज चुके हैं 10, 7-8 बजे तक हमारे गाँव से टैक्सियाँ मिलती है, उसके बाद टैक्सी नहीं मिलती है। तो आज ना मैं लेट हो गया, 10 बज चुके हैं तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। तो मैं पहुंच चुका हूं ढोटियाल और अभी यात्री सीट में बैठा हुआ हूं। अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूं, अगर गाड़ी मिल जाएगी तो फिर गाड़ी में बैठ जाऊंगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दुगड्डा और दुगड्डा ब्रिज में हूं, मार्केट में जा रहा हूं अब। तो मैं ना दुगड्डा मार्केट में घूम रहा हूँ और मेरे को अभी सामान ले जाना है। मेरा यहाँ पे ना काफी काम था, एक तो मेरा जो माइक था ना कॉलर माइक वो खराब हो गया था तो उसको बनवाने के लिए भी आ रखा था, और ये गर्मी हो रही है बहुत भयानक गर्मी, तो फिर पंखा लेने के लिए भी आ रखा था। तो फ्रेंड्स मैं आ रखा हूँ दुकान में और गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए ना मैं पंखा वंखा लेने के लिए आ रखा हूँ। तो भाई साहब ने यहाँ पे पंखा दिखा रखा है और हवा इसका मैं चेक कर रहा हूँ और चेक करके ले जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो घर में। तो भाई साहब ने पहले इसका रेट 1000 बताया, मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ कम कर दो, तो फिर 950 रुपये बता रखा है तो मैं 950 का पंखा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ रखा हूँ यहाँ बाल कटाने, बाल हो गए थे बड़े और अभी मैंने नंबर लगा रखा है, फिर भाई के बाल कट रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे बाल कटेंगे। जीरो करने कैसे? हाँ ये ना पूरे एकदम साफ करने हैं। So call up somebody, 'cause I ain't got the time. Nah nah, I'm feeling myself in the best way. तो भाई लोगों मैं ले रहा हूँ सब्जी, तो मैंने ले रखे हैं 2 किलो आलू, 1 दर्जन केला, 1/2 किलो शिमला मिर्च और 1 किलो लौकी, और अब 1/2 किलो भिंडी ले लेता हूँ, तो 1 किलो खीरा भी ले रहा हूँ मैं। तो सब्जी उब्जी ले लिए मैंने और अब जा रहा हूँ मैं पंखा लेने के लिए। मैंने पंखा ले लिया था लेकिन दुकान में ही रखा हुआ था, मैंने सोचा पहले बाल वाल कटवा लेता हूँ, तो बाल भी कट चुके हैं और सब्जी भी ले लिए मैंने, अब पंखा लेने के लिए जा रहा हूँ। पंखा मैंने ले लिया है, गर्मी बहुत लग रही है, धूप भी कड़ाके की हो रखी है। तो अभी देखता हूँ गाड़ी वाड़ी लगी होगी, दिन के बच चुके हैं 2, तो पहले तो देखना पड़ेगा कि अपने गाँव के लिए गाड़ी लगी हुई है या नहीं, क्योंकि 1-1.5 बजे तक ना गाड़ी घर निकल जाती है, तो मेरे को देखना पड़ेगा पहले गाड़ी लगी हुई है या नहीं। और ये पीछे रास्ता देख रहे होंगे आप, ये हमारे गांव के लिए रास्ता जा रहा है और गाड़ियां तो लगी है लेकिन देखता हूँ कि किधर की लगी हुई है। तो फाइनली मेरे को मिल चुकी है गाड़ी और मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अपने गाँव की गाड़ी मिल चुकी है मुझे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मियों का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाड़ी में तो बहुत मस्त लग रहा है। और आप पीछे का व्यू देख रहे होंगे, कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है, बालों की कटिंग और दाढ़ी की शेविंग करा रखी है। तो आप कमेंट में बताना ये वाला स्टाइल आपको कैसा लगा। तो भाई लोगों मैं गाड़ी से उतर चुका हूँ और भाई के साथ आ रखा हूँ ऊपर, अपने गांव से ऊपर आ रखा हूँ, यहाँ के लिए खरका बोलते हैं, और मैं खरका गांव का यहाँ व्यू दिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे होंगे ये खरका की रोड है, तो वो पीछे घर दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ के लिए खरका बोलते हैं और ये खरका का गाँव है। सवारी भी थी तो सवारी को छोड़ने के लिए यहाँ पे भाई आ रखे हैं, तो पीछे गाड़ी देख रहे होंगे, भाई ने यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है और उसके बाद हम थोड़ी देर में जाएंगे घर। तो
तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ घर और हाथ मुंह धो के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने, अब जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए। तो आप कमेंट में जरूर बता देना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। चैनल पर नए आ रखे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए लाता रहूंगा। और मिलता हूँ इससे भी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।